अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे सीटेट यूपीटेट एग्जाम 2023 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 27 जुलाई 2023 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज, यूपीटेट सीटेट नोटिफिकेशन लेटेस्ट अपडेट को हम देखेंगे। बात करेंगे पासिंग मार्क को लेकर क्या अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, यूपीटेट और सीटेट की परीक्षाओं में क्या नए बड़े बदलाव होने वाले हैं, हर एक अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे। इस समय की दोस्तों एक और बड़ी खुशखबरी हम आपके सामने रख दें। जी हाँ, देख सकते हैं ढेरों अपडेट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है कि 12,000 उद्योग लगेंगे, 1,00,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अगली खबर देखिए न्यूज़पेपर के माध्यम से, रोजगार मेले में 2.6 करोड़ युवाओं को मिला रोजगार। उसके बाद एक और बड़ी खबर हम आपके सामने रख दें। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज अनिल भूषण चतुर्वेदी शिक्षा चयन आयोग के सदस्य बनाए गए। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर शिक्षा चयन आयोग में कौन कौन सदस्य होगा वो ठीक है हो रहा है, फाइनल किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक और बड़ी खबर यहाँ पर ये थी। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके आज की तमाम बड़ी खबर को देखेंगे। लेकिन एक बात और आपको बता दें, 7 वर्ष से टेट की परीक्षा नहीं हुई, अभ्यर्थी बोले फंस सकती है शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया। ये दोस्तों अपडेट झारखंड से, ये बात हम आपको क्यों बता रहे हैं। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे यार हम यूपी में रहते हैं, यूपी टेट की परीक्षा ना दे, सीटेट तो हमारा क्लियर है। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सीटेट पास छात्रों को भी परीक्षा में बैठने का मिले अवसर। जी हाँ दोस्तों, बच्चे डिमांड रख रहे हैं कि जो बच्चे सीटेट क्लियर कर चुके हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो झारखंड में एक नई चौंकाने वाली जो खबर यही थी कि जो बच्चे सीटेट क्लियर कर लिए उनको भी क्लियर नहीं, उनको मौका मिलेगा नहीं। ठीक है, जैसे बिहार में बिहार टेट होता है, यूपी में यूपी टेट होता है, वैसे ही हर राज्य में अपना अपना टेट का एग्जाम होता है। अब दोस्तों डीएलएड और बीएड, जी हाँ, जो हमारे डीएलएड वर्सेस बीएड का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, अब जज साहब किसी भी वक्त अपना फैसला सुना सकते हैं। अब देखिए 69,000 जो लास्ट वैकेंसी यूपी में आई थी, आपको बता दें यहाँ पर डीएलएड करने वाले छात्र जो पास हुए थे मात्र 38,610, लेकिन बीएड करने वाले छात्रों की संख्या यहाँ पर डबल से भी ज़्यादा थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर बीएड के छात्रों को बाहर किया गया तो यूपी में बीएड के छात्रों को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। ठीक है, तो और भी अपडेट अभी हम आपके सामने रखते हैं। जेई के 1324 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिया गया है। बीएचयू में अगले सत्र से 4 वर्षीय स्नातक कोर्स होगा। नई शिक्षा नीति के 3 साल पूरे होने पर रेक्टर और कुलसचिव ने बढ़ाई उपलब्धियां, अपनी बताई उपलब्धियां। सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं, जो हमारा एडमिट कार्ड है। जी हाँ, समय करीब आ रहा है पेपर के, तो एडमिट कार्ड अब किसी भी वक्त आप लोग का जारी कर दिया जाएगा। तो तैयार रहिए दोस्तों एडमिट कार्ड के लिए। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग निकालेगा 5,000 पदों पर भर्ती, मिली अधियाचना। तो इस समय दोस्तों बिहार में अच्छे दिन चल रहे हैं भैया, वैकेंसी तापड़ तोड़ आ रही है। ठीक है, और देखिए एसएससी जेई वाली जो अभी अपडेट हमने आपके सामने रखी थी, यूपी टेट की ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं, दिन गुरुवार का है, 27 जुलाई तारीख है। ठीक है, शिक्षकों के पदों पर शीघ्र भर्ती आशीष कह रहे हैं। अगली अपडेट, ओबीसी को बीते सत्र की छात्रवृत्ति अब तक नहीं मिल पाई ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की गलती भुगत रहे अभ्यर्थी, हाईकोर्ट ने में मतलब बैठक की जा रही बच्चों के द्वारा। ठीक है, तो देखिए मामला क्या है, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में बुधवार को आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट परिसर में बैठक की। उन्होंने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल के एक चयनित अभ्यर्थी के वायरल ऑडियो पर नाराजगी व्यक्त की, जिसमें वे विभाग व अधिकारियों के पक्ष में माहौल बनाने की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी खबर है जो कि इस समय की हम आपके सामने रख रहे हैं। आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इसमें गलत तरीके से 19,000 अभ्यर्थियों को चयनित कर दिया। अब जब उन्हें इस भर्ती से निकालने का जाने का खतरा है, तो अधिकारी गलत तरीके से चयनित अभ्यर्थियों को अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभाग ने भर्ती की मूल चयन सूची को अभी तक अभ्यर्थियों के गुणांक कैटेगरी व सब कैटेगरी तथा जन्म तिथि के आधार पर नहीं बनाए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए कहते हैं हर एक अपडेट पर आप लोग नजर रखिए, आने वाले समय में आप लोग को भी नई भर्ती में मौका मिलेगा, हो सकता है कि आप लोग भी ओबीसी कैटेगरी एससी कैटेगरी के अंतर्गत आते हों। अब देखिए ईडब्ल्यूएस की भी एक नई कैटेगरी है। अगर देखिए आरक्षण का घोटाला होता है ना तो सभी कैटेगरी में होता है, ये मत सोचिएगा कि ईडब्ल्यूएस में घोटाला नहीं होगा जब यहाँ ओबीसी एससी में होगा तो। ठीक है ना, तो बीएड वर्सेस बीटीसी मैटर, अब दोस्तों जो हमारा जजमेंट है 2 सप्ताह के भीतर कभी भी आ सकता है। ठीक है, सीटेट ऑफलाइन एग्जाम तुक्का कैसे लगा, देखिए तुक्का तब लगाया जाता है जब आप लोग को बिल्कुल भी उस क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है,
तो देखिए, जब पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तब आप लोग तुक्का बेधड़क लगा सकते हैं। अगर परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है तो आप लोग कभी भी गलती से भी तुक्का मत लगाइएगा। पता चले आपने 4 क्वेश्चन को भैया टिक मार दिया, जिसमें से 3 क्वेश्चन गलत हो गया, 1 सही हो गया, तो फायदा क्या होगा? कोई फायदा नहीं ना। तो निगेटिव मार्किंग उसी हिसाब से रख दी जाती है, 1/3 ऐसे करके, तो कोई फायदा नहीं होगा आपका। यूपी टेट एग्जाम डेट, जी हाँ दोस्तों, हमारा यूपी टेट का एग्जाम आखिर होगा कब तक? सभी बच्चों के मन में आज के डेट में एक ही सवाल है। तो आपको बता दें, यूपी टेट का एग्जाम भी अगस्त लास्ट तक हो सकता है, अगर जो हमारा नया आयोग बन रहा है जल्द से जल्द गठित हो जाए, फाइनल हो जाए, तो ज़्यादा समय लगेगा नहीं। मान लीजिए 15 दिन में अगर आवेदन भी कंप्लीट कर लिया जाता है तो 1 हफ्ते के बाद एडमिट कार्ड जारी हो सकता है। ठीक है, तैयारियां पूरी है, सीटेट में काफी बच्चों ने आवेदन किया, तो हो सकता है कि यूपी टेट में आवेदन उतने देखने को ना मिले। लेकिन दोस्तों, जो झारखंड में शिक्षक भर्ती है उससे हमें कुछ सबक लेना चाहिए। अगर आपका लोकल टेट पेपर, जैसे सीटेट का पेपर है, सीटेट का पेपर भैया देश भर में वैलिड होता है, ये बात सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन कुछ खबरें कभी कभी नई तरीके से आ जाती हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि जो भी टेट एग्जाम आपको देने को मिल रहा है उसको पास करिए। अभी देखिए, जो बच्चे यूपी टेट की परीक्षा पास कर बैठे होंगे उनको बिहार शिक्षक भर्ती में मौका नहीं दिया गया। या तो सीटेट का अपेयरिंग छात्र होना चाहिए जो इस साल फॉर्म भरा है, या तो सीटेट क्लियर होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में नौकरी पाना आसान नहीं होगा। ठीक है, जो आप लोग लापरवाही कर रहे हैं उसका नतीजा बहुत ही खराब होगा। तो जितना अधिक से अधिक समय आपको पढ़ाई के लिए मिले, पढ़ते रहिए, ताकि आप लोग का रिजल्ट बहुत ही बेहतर बने। ठीक है, बाकी शिक्षक भर्ती में क्या बदलाव हो सकता है, क्या पैटर्न चेंजेस होंगे? देखिए, आप लोग का भाई जो यूपी टेट या सीटेट का एग्जाम होता है 30 × 5, 5 भागों में होता है। 30 नंबर का मतलब बाल विकास, ठीक है, हिंदी, गणित, और उसके बाद लैंग्वेज 2 में संस्कृत या इंग्लिश आपने ले लिया, फिर पर्यावरण, फिर उसके बाद दोस्तों पर्यावरण, ईवीएस, तो ये सब है। उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है। ठीक है, बिल्कुल डरना नहीं है। अब बात आती है सुपर टेट, तो यहाँ पर दोस्तों सब्जेक्ट की बौछार लग जाती है, तो 20 नंबर की गणित लेकिन इसमें रहती है। तो देखिए, आप लोग कुछ विषयों को फोकस कर लेंगे कि भाई कौन सा कितने नंबर का आ रहा है, उस हिसाब से आप लोग तैयारी करेंगे तो एक बेहतर तैयारी हो सकती है। सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से बच के रहिए। जल्दी दोस्तों बीएड और बीटीसी कोर्ट का फैसला आपके सामने होगा। जस्ट आप दोस्तों ये अंतिम फैसला सुनाएंगे, अब देखते हैं जीत किसकी होती है, क्या बीटीसी छात्र जीतते हैं या बीएड के छात्र जीतते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया के अफवाहों से भी बच के रहना है। बाकी दोस्तों, जो हमारी सीटेट और यूपी टेट में पासिंग नंबर है, जनरल और ईडब्ल्यूएस जो हमारा होता है, इन दोनों कैटेगरी में 90 नंबर लाना है। बाकी सभी आरक्षित वर्ग में ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप में 82 नंबर। उसके बाद दोस्तों सुपर टेट में जो जनरल कैटेगरी है वो 97 नंबर लाएगी पास होने के लिए, और ईडब्ल्यूएस भी 97। ठीक है, बाकी जो आरक्षित वर्ग है हमारे ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के बच्चे, उनको पास होने के लिए 90 नंबर। ये यूपी में रूल है, बाकी समय समय पर चेंज भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, और भी जो अपडेट आएगी, यूपी टेट का एग्जाम अगले महीने हो सकता है, सीटेट का एडमिट कार्ड किसी भी वक्त जारी हो जाएगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, और सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट भी वैसे मैं आपको दिखा दी थी। ठीक है, तो सोशल मीडिया से बच के रहिएगा अफवाह से। बाकी जो भी अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। देख रहे हैं कितनी नौकरियां मिल रही हैं, तो यहाँ पर बीएड छात्रों की संख्या आप देख सकते हैं जैसे कि हमने आपको बताया था। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।